दीपक ज्ञान उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। चलिए दोस्तों, आज हम क्लास टेंथ का सब्जेक्ट हिंदी का वीडियो लाया हूं, जिसमें हम लोग आज जानेंगे पाठ के नाम और लेखक के नाम बेहतरीन ट्रिक के साथ, और साथ ही साथ इसका विधा जो है उसको भी याद करेंगे। पहला अध्याय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके जो लेखक हैं वो है भीमराव अंबेडकर। इसको किस प्रकार याद करेंगे कि भीमराव अंबेडकर जी विभाजन और जाति प्रथा को लेकर बहुत काम किए थे। दूसरा है बीस के दांत। इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। बीस के दांत इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। तो विलोचन में देखिए चन है, इसको आप चना याद रखेंगे, और इस प्रकार इसको याद रखेंगे कि दांत से हम लोग चना खाते हैं, तो बीस के दांत से याद हो जाएगा आपको। दांत जैसे ही आएगा वैसे ही आपको याद आ जाएगा कि दांत से हम चना खा रहे थे, यानी नलिन विलोचन शर्मा। और साथ ही साथ इसका विधा भी याद करते जाएंगे, जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अम्बेडकर, ये एक निबंध है। बीस के दांत के लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा, इसका विधा है कहानी। तीसरा है आपके सामने भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मूलर, इसका विधा है भाषण। तो भारत से हम क्या सीखें, इसको याद रखना है कि मैक्स से मैक्सी याद कर लीजिएगा, टैक्सी, मैक्सी टैक्सी, टैक्सी याद कीजिएगा कि पूरे भारत का भ्रमण हम लोग टैक्सी से किए थे, और इसका विधा है भाषण। भारत से हम क्या सीखें, भारत जैसे ही आएगा भारत से हम क्या सीखें, टैक्सी मैक्सी मैक्स मूलर, इस प्रकार याद रखना है। तो भारत से हम क्या सीखें, तो भारत का पूरा भ्रमण किए थे टैक्सी से, यानी मैक्सी यानी मैक्स मूलर। चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसको इस प्रकार याद रखिएगा कि नाखून का जो बढ़ना है वो हजारों साल पहले की बात है, है ना। पहले जैसे नाखून बड़े बड़े लोगों का हुआ करता था, काटने के साधन नहीं थे, लोगों को ज्ञान नहीं था, इस प्रकार से याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो जैसे ये आएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी याद हो जाएगा आपको, हजारों साल से याद हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इसकी जो विधा है वो है ललित निबंध। पाँचवा है आपके सामने की नगरी लिपि। नगरी लिपि गुणाकर मूल्य, नगरी लिपि को याद रखना है गुणाकर मूल्य। एक नगर का अच्छा गुण था, ऐसा याद रखिएगा, एक नगर का अच्छा गुण था गुणाकर मूल्य, ये इसकी जो विधा है वो है निबंध। छठा आपके सामने है बहादुर। बहादुर के लेखक के जो नाम है वो अमरकांत हैं, इसको याद रखिएगा कि जो अमर आदमी होते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं, बहादुर अमरकांत, अमर आदमी बहादुर होते हैं, जो अमर होते हैं वो बहादुर होते हैं, इस प्रकार से बहादुर अमरकांत। इसकी जो विधा है वो है कहानी। सातवां आपके सामने है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो राम विलास शर्मा। इसको इस प्रकार याद करना है कि हमारी परंपराओं से राम भगवान का ये नाम चलते आ रहा है, ऐसा करके। तो जैसे ही परंपरा आएगा वैसे ही जहाँ परंपरा आई तो आपको याद हो जानी चाहिए राम, तो राम विलास शर्मा। तो परंपरा का मूल्यांकन राम विलास शर्मा, ये एक निबंध है, इसकी जो विधा है वह है निबंध। आठवां है आपके सामने जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके लेखक का नाम है पंडित बिरजू महाराज, और इसकी जो विधा है वह है साक्षात्कार। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसको याद रखना है, जो महाराज होते हैं लेखक में देखिए पंडित बिरजू महाराज लिखा हुआ है, तो जो महाराज होते हैं, महाराजा लोग जो होते हैं वो बार बार जीतते हैं, किसी भी चीज़ों में जीत जाते हैं वो। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ तो याद रखना है उससे महाराज, महाराज ही जीतते हैं, तो जीत जीत मैं निरखत हूँ महाराज से पंडित बिरजू महाराज। नवा पॉइंट है, नवा अध्याय अविन्यू। इसको आप याद रख लीजिएगा, अविन्यू अशोक वाजपेयी, लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी, अविन्यू अशोक वाजपेयी, अविन्यू अशोक वाजपेयी, अविन्यू अशोक वाजपेयी, दो चार पांच बार इसको पढ़ लीजिएगा, अविन्यू अशोक वाजपेयी। इसका जो विधा है वो है ललित रचना। दसवां चैप्टर है आपके सामने पाठ का नाम मछली। इसके लेखक का नाम है
विनोद शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, मछली विनोद कुमार शुक्ल। इसको आप याद करेंगे, विनोद कुमार का नाम का एक लड़का था, वो मछली पकड़ने में बड़ा माहिर था, ऐसा मछली पकड़ने में बड़ा तेज था। विनोद कुमार का नाम का एक लड़का था, वो मछली पकड़ने में बड़ा तेज था, है ना। और बाकी आप लेखक के नाम याद थोड़ा सा देखेंगे तो आपको याद होगा, आप सामने देख भी पा रहे होंगे कि किसी में एक लड़के के नाम में विनोद कुमार इस प्रकार का कहीं पे नाम नहीं आ रहा है, तो यहीं पे नाम है। इसको इस प्रकार याद रखेंगे कि विनोद कुमार नाम का एक लड़का था, वो मछली पकड़ने में बड़ा तेज था। तो जैसे ही मछली आएगा वैसे विनोद कुमार शुक्ल आपको याद हो जाएगा। ये कहानी है, इसकी जो विधा है वो एक कहानी है। 11वां, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। इसका लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र, तो इसको इस प्रकार याद रखेंगे, नौबत खाने, खाने में हम लोग यतीन्द्र मिश्र में मिश्र लगा हुआ, यानी इसको हम मिश्री से याद रखेंगे। तो नौबत खाने में क्या खा रहे हैं, खाने में खा रहे हैं मिश्री, मिश्री से यतीन्द्र मिश्र याद रह जाएगा आपको। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र, मिश्र से मिश्री से मिश्र यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत, लेखक का नाम यतीन्द्र मिश्र। इसकी जो विधा है वो है व्यक्ति चित्र। 12वां, शिक्षा और संस्कृति, ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि शिक्षा और संस्कृति को लेकर महात्मा गांधी जी बहुत कुछ हम लोगों को बताते थे। तो इसके लेखक का नाम है शिक्षा और संस्कृति, लेखक का नाम महात्मा गांधी, और इसकी जो विधा है वो है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, लेखक का नाम महात्मा गांधी। तो चलिए अब हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, हम लेखक के नाम को हटा देते हैं और सिर्फ हम पाठ के नाम को ही हम सिर्फ बोलेंगे, और पाठ के नाम से ही हम लेखक के नाम को याद कर लेंगे। इतना जो हम लोग अभी चर्चा किए इससे आपको याद हो गया होगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं पहले, इसके बाद हम लेखक के नाम को ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, सिर्फ मेरे सामने पाठ के नाम याद रहेंगे, पाठ के नाम रहेंगे, और इसी से हम लेखक का नाम हमको समझ में आते चला जाएगा। चलिए हम क्या बोले थे कि विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर, दांत से चना खाते हैं यानी नलिन बिलोचन शर्मा, भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम पूरा भारत का भ्रमण किए थे टैक्सी से यानी मैक्सी यानी मैक्स मूलर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून हजारों साल पहले बढ़ा करते थे ऐसे ही, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगरी लिपि एक नगर का बहुत अच्छा गुण था, है ना, तो नगरी लिपि गुनाकर मूले, बहादुर अमरकांत, अमर बहादुर, है ना, जो अमर है वो बहादुर है, ऐसा करके परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा से राम भगवान का ये नाम चलते आ रहा है, तो परंपरा का मूल्यांकन राम विलास शर्मा, जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज, महाराज जो होते हैं बार बार जीतते हैं, अभिन्यु अशोक वाजपेयी, इसको बोले थे दो चार पाँच बार, इसको देख लेना है, अभिन्यु अशोक वाजपेयी, मछली, मछली है आपका विनोद कुमार शुक्ल की, विनोद नाम का एक लड़का था वो मछली पकड़ने में बड़ा तेज था, नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में, खाने में लोग मिश्री खाते थे यतीन्द्र मिश्र, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी, ये तो याद ही होगा आपको। तो चलिए अब हम लोग लेखक के नाम को ख़त्म करके सिर्फ पाठ के नाम के साथ लेखक का नाम देखते हैं। चलिए आपके सामने पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बताइए इसके लेखक का नाम क्या होगा। तो आपको याद हो गया होगा, हम समझ रहे हैं, आपको मालूम भी पड़ गया होगा कि विभाजन और जाति प्रथा के विषय में काफ़ी कुछ काम किए थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर, 20 के दांत, आपको याद होगा कि दांत से हम लोग चना खा रहे थे यानी विलोचन, नलिन विलोचन शर्मा। तीसरा है भारत से हम क्या सीखें, भारत पूरी भारत का भ्रमण किए थे टैक्सी से, टैक्सी मैक्सी यानी मैक्स मूलर, तो भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मूलर। चौथा पॉइंट है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून हजारों साल की परंपरा है ये, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून से हजारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगरी लिपि, नगरी लिपि
में हम पढ़े थे कि एक नगर का अच्छा गुण था, तो नगरी लिपि से हो जाएगा गुना कर्मुले बहादुर। बहादुर जो अमर होते हैं वो बहादुर होते हैं, तो अमर से अमरकांत, यानी बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत। सातवां, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा से ही राम भगवान का पूजा, राम भगवान के नाम चलते आ रहे हैं, तो इस प्रकार से परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा राम विलास शर्मा। आठवां है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये बार बार जीतते हैं कौन? जो महाराज होते हैं, यानी पंडित बिरजू महाराज अभिन्यु, इसको बोले थे। दो चार पांच बार इसको देख लेना है, पढ़ लेना है इसको। अशोक वाजपेयी, यानी अभिन्यु अशोक वाजपेयी, अभिन्यु अशोक वाजपेयी। मछली, मछली में हम आपको क्या ट्रिक बताए थे कि एक विनोद कुमार नाम का एक लड़का था, वो मछली पकड़ने में बड़ा तेज था, तो मछली से हो जाएगा मछली का लेखक के नाम विनोद कुमार शुक्ल। अगला है, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत ये हो जाएंगे कि नौबत खाने, खाने में हम लोग मिश्री खा रहे थे, मिश्र यानी यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। और सबसे अंतिम बारहवां, शिक्षा और संस्कृति। ये तो आपको याद ही है, महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।